जब से इस दुनिया में विज्ञान का जन्म हुआ है तब से ऐसा लगता है कि धर्म किसी और दिशा में जा रहा है और साइंस यानी विज्ञान भी किसी और दिशा में जा रहा है। पर क्या ये दोनों विज्ञान और आध्यात्मिक यानी धर्म कभी एक हो सकते हैं, या ये दोनों एक ही है, या फिर ये दोनों कभी भी एक नहीं होंगे? पहले तो मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, आप कमेंट में बता सकते हैं। विज्ञान जिसे अणु यानी कण कहता है वो क्या है, और धर्म जिसे आत्मा कहता है वो क्या है, यह सब जानेंगे आज, ताकि आप यह तय कर सके कि अणु क्या है और आत्मा क्या है। अणु और आत्मा को समझने से पहले आपको जड़ क्या है और चेतन क्या है इसे समझना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें हमें जड़ लगती है तो कुछ चीजें हमें चेतन लगती है। लेकिन इस ब्रह्मांड में जड़ और चेतन जैसी दो चीजें या वस्तुएं नहीं है, क्योंकि जिसे हम जड़ कहते हैं वह सोया हुआ चेतन है, और जिसे हम चेतन कहते हैं वह जागा हुआ जड़ है। ठीक से समझना इसे। अगर यहाँ एक मनुष्य है जो सोया हुआ है तो उसे हम जड़ कहेंगे, और यही मनुष्य अगर जागा हुआ है तो उसे हम चेतन कहेंगे। सिक्के की तरह यह है, सिक्के की पहलू दो जरूर होती है, लेकिन सिक्का तो एक ही है ना। यानी हमारे ब्रह्मांड में जड़ और चेतन जैसे दो अलग अलग अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व तो एक का ही है। उस एक का नाम ही परमात्मा है, ब्रह्म है, ऊर्जा है, चेतन है, जड़ है, या किसी और शब्द से भी हम इसे बुला सकते हैं, लेकिन वो एक ही है। जब सोया हुआ है तब जड़ जैसा लगता है, और जब जागा हुआ है तब चेतन होता है। इसीलिए जड़ और चेतन के ऐसे दो भेद करके कभी ना चले, सिर्फ काम चलाओ शब्द है ये, और ऐसी कोई दो चीजें नहीं है। विज्ञान भी इस नतीजे पर पहुंच गया है कि मैटर यानी जड़ जैसी कोई चीज नहीं है इस ब्रह्मांड में। इसे थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। एक जर्मन फिलोसोफर हुआ नीत्शे नाम का, उन्होंने आज से 100 साल पहले एक घोषणा कर दी थी कि गॉड यानी ईश्वर मर गया है, और 20वीं और 21वीं सदी का विज्ञान भी आज वहीं पर खड़ा हो गया। आज का विज्ञान भी यही कहने लगा है कि ईश्वर मरा हो या ना मरा हो, लेकिन मैटर जरूर मर गया है, पदार्थ अब नहीं है। क्योंकि विज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ा और पदार्थ के अंदर उतरता गया तो हमारे विज्ञान ने पाया कि पदार्थ खो जाता है और सिर्फ एनर्जी यानी ऊर्जा रह जाती है, जो आध्यात्मिक हजारों सालों से कहता आया है। विज्ञान जब पदार्थ के अंदर उतरा तो यह पता चला कि पदार्थ कुछ और नहीं बल्कि छोटे छोटे परमाणु से बनी हुई कोई ठोस चीज है। फिर जब वे परमाणु के अंदर उतरे तो यह पता चला कि यह तो परमाणु भी नहीं बल्कि विद्युत कण है। अब यहाँ पर बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि अगर विज्ञान कहें कि यह कण है तो इसका मतलब हुआ कुछ पदार्थ है। कण शब्द सुनकर हमें ऐसा ही लगता है कि कोई पदार्थ होगा बहुत छोटा सा, पर हमारे विज्ञान ने यह समझ लिया था कि कण तो है ही लेकिन एनर्जी यानी ऊर्जा के रूप में। इसलिए विज्ञान को एक नया शब्द ही खोजना पड़ा, क्वांटा। क्वांटा का मतलब ही कुछ और होता है। क्वांटा का मतलब होता है जो दोनों है, कण भी और ऊर्जा भी, और दोनों एक साथ। इसे समझना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, हमारे गले यह नहीं उतरेगा कि कोई चीज कण और ऊर्जा एक साथ कैसे होगी। या तो कण होगा या फिर ऊर्जा होगी, है ना? लेकिन यह दोनों एक साथ है, यह दोनों उसके बिहेवियर है। यह कभी कण की तरह दिखाई पड़ता है और कभी ऊर्जा की तरह, लेकिन दोनों एक ही है। यानी विज्ञान गहरे गया तो उसने पाया कि सिर्फ ऊर्जा है, एनर्जी है, और अध्यात्म गहरे गया तो उसने पाया कि सिर्फ आत्मा है। इसलिए तो आत्मा को शरीर में आते और शरीर से जाते हम देख नहीं सकते, क्योंकि यह एक ऊर्जा है। और इसीलिए तो दुनिया के कई धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करते, बस वे एक ही जन्म में विश्वास करते हैं। इसलिए विज्ञान और धर्म के बीच का फासला तोड़ देना पड़ेगा। जब पदार्थ और परमात्मा के बीच का फासला झूठा सिद्ध हुआ तो कितने दिन लगेंगे कि विज्ञान और धर्म के बीच के फासले को हम बचा सके? अगर जड़ और चेतन दो नहीं है तो धर्म और विज्ञान भी दो नहीं हो सकते। वे उसी भेद पर दो थे कि कुछ है भी और कुछ नहीं भी है, लेकिन दोनों एक साथ है। तो कौन जड़ है और कौन चेतन है, इससे मनुष्य को बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपको जड़ की भाषा पसंद है तो आप कहिए कि सब कुछ जड़ है इस ब्रह्मांड में, और अगर आपको चेतन की भाषा पसंद है तो आप कहिए
कि सब कुछ चेतन है इस ब्रह्मांड में, पर आप चेतन की भाषा पसंद करना क्योंकि इसमें संभावना ज्यादा है, जड़ की भाषा नहीं क्योंकि इसमें संभावना बहुत कम हो जाती है। जैसे यहाँ एक पेड़ है तो हम कहेंगे कि पेड़ नहीं है, सिर्फ बीज ही है, तो ऐसा कहना गलत नहीं है क्योंकि पेड़ बीज का ही रूपांतरण है। लेकिन इससे होगा ये कि बाकी के बीज भी कहेंगे कि जब इतना बड़ा पेड़ भी बीज ही है तो हम पेड़ क्यों बने, हम बीज ही बने रहते हैं। यह जड़ की भाषा है, इसलिए हमें कहना चाहिए कि यह पेड़ है, बीज नहीं है, तब जाकर बाकी के बीज पेड़ बनने की कोशिश करेंगे, यानी तब बीज में पेड़ बनने की संभावना खुल जाती है। यह चेतन की भाषा है, इसलिए चेतन की भाषा पसंद करनी चाहिए ताकि जो अभी सोया हुआ है वह जाग सके। यह भाषा संभावनाओं का द्वार खोलती है। और विज्ञान यानी पदार्थवादी और अध्यात्मवादी में एक समानता यह है कि वे किसी एक को ही स्वीकार करते हैं। पदार्थवादी बहुत प्राथमिक चीज को मान लेता है, इसलिए अंत में रुक सकता है, और अध्यात्मवादी अंतिम को स्वीकार करता है, इसलिए पहला तो उसमें आ ही जाता है जो विज्ञान मान लेता है, लेकिन अंतिम भी इसमें आ जाता है। इसलिए अध्यात्म यानी चेतन की भाषा पसंद करो क्योंकि सब कुछ चेतन है, या सोया हुआ या जागा हुआ, लेकिन है सब कुछ चेतन। तो विज्ञान जिसे कण या ऊर्जा कहता है, धर्म उसे आत्मा कहता है, दोनों एक ही नतीजे पर पहुंच गया है, पर एक ही चीज को अलग अलग शब्दों से बुलाया जाता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि यह दोनों अलग अलग चीजें हैं, आत्मा और कण, लेकिन दोनों एक ही चीज है।